हमारे साथ में इस समय एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं। सर, जो अग्रसेन हाइट्स है, इसका नक्शा निर्दस्त करने की बात सामने आ रही है। ये काफ़ी दिन से इसमें शिकायतें हुई थी और ये प्रक्रिया चल रही थी लगभग एक साल से। फिर सुनवाई के अवसर दिए अलग अलग कोर्ट्स ने, तो जो बिल्डर्स हैं उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया, प्रॉपर सुना गया। बेसिकली पाया गया कि अर्बन सीलिंग की लैंड थी कि जो एलडीए को मिलनी चाहिए थी, उसमें अर्बन सीलिंग की लैंड में तथ्यों को छुपाते हुए नक्शा पास कराया गया, क्योंकि बाद में दर्ज कराया गया, पहले दर्ज नहीं कराया गया था। तो गुण दोष के आधार पे हम लोगों ने जो मैप है रिवोक किया है और सम्यक कार्यवाही आगे की जाएगी। सर, ये बिल्डिंग रातों रात तो बनी नहीं, सालों लगे होंगे, उस बीच में जाहिर है कि एलडीए के भी लोगों की मिली भगत होगी, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो पाए। नहीं, नक्शा पास करके वो बिल्डिंग बनाई गई, नक्शा यहाँ से पास है, क्योंकि जो अर्बन सीलिंग लैंड घोषित हुई उसका जो अमल दरामद हुआ वो बाद में जानबूझ के कराया गया, अमल दरामद लेट हुआ, वो जो प्रथम दृष्टया देखा गया है, तो जिससे ये जब नक्शा पास हो रहा था तो इसमें क्लियर नहीं हुआ कि वो अर्बन सीलिंग की लैंड है, क्योंकि हमारे अभिलेखों में उस समय दर्ज नहीं थी। बाद में अभिलेखों में जब दर्ज हुई तो ये पता चला कि इन्होंने तथ्यों को छिपाते हुए अर्बन सीलिंग की लैंड पे नक्शा हमसे पास कराया और फिर बिल्डिंग्स में कुछ फ्लैट्स बना के बेचे हैं, तो उस पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करते हुए वो नक्शा अपने आरबीओ एक्ट में हम लोगों ने निरस्त किया है। जो एलडीए के लोग, अगर उनकी मिली भगत है इस पूरी चीज़ों में, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हो रही? हाँ, इसमें अलग से एक जांच कराई जा रही है कि अमल दरामद डिले क्यों हुआ और क्यों सरप्लस लैंड को हम पहले ट्रैक नहीं कर पाए, तो इसमें जो भी संबंधित हैं जिनको उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सर, आवंटियों के मन में एक सवाल है कि अब उनके भविष्य का क्या होगा, वो वहाँ पर क्योंकि 95 फ्लैट जैसा वहाँ पर है, 70 से ज़्यादा फ्लैट बिक चुके हैं, लोग रह रहे हैं सालों से, तो उनके मन में सवाल अब उनके भविष्य का क्या होगा, जमा पूंजी लगा दी पूरी उन्होंने तो अपनी। अब इसमें विधिक परिशीलन कराया जा रहा है, उसमें कुछ ये बताया जा रहा है, किसी कोर्ट में भी प्रकरण अभी आगे कुछ इशूज पे प्रचलित है, तो समस्त तथ्यों को देखते हुए फिर आगे कार्यवाही की जाएगी। नक्शा निरस्त होने के बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण भी हो सकता है? अब इस संबंध में मैंने बताया कि विधिक परिशीलन करने के बाद ही कोई इस संबंध में बताया जा सकता है। आवंटियों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा कोई भी फैसला लेते समय? हाँ बिल्कुल, आवंटियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। आवंटी एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि अगर एलडीए नक्शा पास ना करता तो हम लोग यहाँ फ्लैट ना लेते, बैंक ने लोन भी जब दिया तो इन सब चीज़ों को लेकर दिया, यानी मानते हैं एलडीए के स्तर पर बड़ी गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं? हाँ, जैसा बताया कि चूँकि लैंड इन डिस्प्यूट जो लैंड थी वो हम लोगों को पहले क्लियर नहीं हुई कि ये सीलिंग की लैंड है, बाद में जैसे अमल दरामद हुआ नक्शा उसके पहले पास हुआ, अमल दरामद बाद में हुआ, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे तथ्य सामने आ जाए तो फिर बताया जा सकता है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में एल डी ए वी सी इंद्रमणि जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में एक अलग से जाँच भी कराई जा रही है कि कौन लोग दोषी थे जिनकी वजह से ये पूरी गड़बड़ी सामने आई, जो गड़बड़ी हुई उस समय, और कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है इस मामले में आगे विधिक परामर्श भी लिया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।